एक मरतबा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने छोटे बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दरवाजे पर बिठा कर खुद किसी काम से हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए और कहा, बेटे किसी को अंदर ना आने देना। थोड़ी देर के बाद अचानक एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता था तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। फिर भी वो ना माना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जबरन रोकने की कोशिश करने लगे तो जब शोर मचा तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बाहर आए और देखा कि याकूब फरिश्ते से लड़ रहे हैं। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बेटे ये तुम करो फरिश्ते हैं और फरिश्ते से माफ़ी तलब फरमाई। फरिश्ते ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ की और कहा कि इसी तरह खिदमत का हक अदा करना चाहिए। फिर फरिश्ता ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारी तरफ से याकूब का नाम इसराइल रखें और कुरान ने भी याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से पुकारा है।